टीवी के न्यूज चैनल की तरफ से नमस्कार। आपको बता दें कि आज पठानकोट में एक निजी होटल में आजाद टैक्सी यूनियन की मीटिंग रखी गई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आज पठानकोट एक निजी होटल में आजाद टैक्सी यूनियन की मीटिंग रखी गई है, जिसमें आपको बता दें कि पठानकोट के सुरेंद्र सहगल जो टैक्सी यूनियन के प्रधान बनाया गया है, जिनकी जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि योगेश ठाकुर को बताया कि आजाद टैक्सी यूनियन काफ़ी समय से पठानकोट में चल रही है। आज यूनियन की तरफ से पठानकोट में नया प्रधान बनाया गया है और नई टीम की गठन भी की गई है। आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े हुए योगेंद्र ठाकुर जी, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। प्राइम बेकिंग न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट पठानकोट से। डेढ़ साल पहले फाउंडेशन हुई सी जी की पूरे पंजाब के, साढ़े पठानकोट तो भी साढ़े गुप्ता जी प्रधान नियुक्त किया गया सी। बड़े वधिया तरीके कार्यकर्मी जी चल रही है। अज होटल यूनीक दे विच जरा बड़े शांतिपूर्वक सारे मैंबर्स की सहमति के नाल, प्रधान जी की सहमति के नाल जरा सहगल साहब जरा है वह जिले का आजाद टैक्सी यूनियन का प्रधान नियुक्त किया गया। वो नाल ही कार्यकारिणी के नवे मैंबर भी बनाए गए, मैंने भी इतने बुलाया गया। मैं सारे इन्हों आजाद टैक्सी यूनियन साड़ी डेढ़ साल तो पठानकोट चल रही है, बहुत वधिया काम हो रहा पठानकोट। सो अज साड़ी कमेटी पूरी पठानकोट की बैठी थी, जो आप डिस्कस किया इतने बह के सारे ने कि थोड़ा घर दिक्कत करके प्रॉब्लम करके कि यूनियन टाइम नहीं दे पा रहे, तो सो अभी अज नवे प्रधान जोड़े आजाद टैक्सी यूनियन के पठानकोट तो अपने सुरेंद्र। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस